आगळ वात करीए तो बनासकांठामां गोवाभाई देसाई भाजपमां जोडाशे। प्रदेश भाजप अध्यक्ष सी आर पाटीलना हस्ते खेस पहेरीने भाजपमां जोडाशे। डीसामां जाहेर सभा करी गोवाभाई देसाई भाजपमां जोडाशे। कोंग्रेसना पूर्व धारासभ्य भाजपमां जोडाता कोंग्रेसने फटको पड़शे। गोवा देसाईना समर्थनमां कोंग्रेस कार्यकर्ताओ आगेवानो भाजपमां जोडाशे। डीसा मार्केटयार्ड खाते भाजपनी जनसमर्थन सभा। तो हवे जहां एक तरफ लोकसभा चूंटणीनी पण तैयारी शुरू कर देवामां आवी छे, तमाम जे पक्षो छे पूर्व तैयारी कर रहा है, त्यां कोंग्रेसमां वधु एक भंगाण सर्जाय तेवी पण माहिती सामे आवी छे। बनासकांठामां गोवाभाई देसाई के जे भाजपमां जोडाशे। प्रदेश भाजप अध्यक्ष सी आर पाटीलना हस्ते खेस पहेरीने विधिवत केसरिया करशे। तो डीसामां जाहेर सभा करीने गोवाभाई देसाई भाजपमां जोडाशे। वधु माहिती मेळवीए संवाददाता रोहित पासेथी। रोहित, बनासकांठामां गोवाभाई देसाई के जे भाजपमां जोडाशे विधिवत केसरिया करे तेवी माहिती, शुं वधु माहिती? जी वत्सल, चौक्स की बात करे तो जे प्रमाण गोवाभाई देसाई छेल्ला घणा समय थी कोंग्रेस साथे जोडायेला हता अने त्यारबाद आजे सी आर पाटिल जी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष तेमना हस्ते आजे केस धारण करी रह्या छे। खास करीने वात करवामां आवे तो आजे मोटी संख्या में जे रबारी समाज छे तेना समर्थन में आजे गोवाभाई देसाई आजे थोड़ी ज वार में जे सी आर पाटिल आवी रह्या छे ने तेमना हस्ते भगवो धारण करते। खास करीने वात करवामां आवे तो जे प्रमाणे अहीं मोटी संख्या में लोग सभा में जोड़ाई रहा है। आवनारा समय में जे चूंटणी आवी रही छे ते पहेला आज दिग्गज नेता छे गोवाभाई देसाई ते हाल में भाजप में जोड़ाई रहा है। जी बिल्कुल, रोहित, माहिती बदल आभार।